हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, रेलवे हो, या पुलिस एसएससी, या किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, बी जे एस किल्बी, सी चार्ल्स बैबेज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन नंबर टू, तो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन ए अतारिस, बी इनायक, सी टेंडी, टी नोवेला। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनायक। क्वेश्चन नंबर थ्री, बोलता आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1946। क्वेश्चन नंबर चार, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 2000, सी 1955, डी 1960। आंसर होगा डी 1960। क्वेश्चन नंबर पाँच, द कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, ऑप्शन बी संगणक, सी हिसाब लगाने वाला, डी परिगणक। आंसर होगा ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन बी संगणक। क्वेश्चन नंबर छः, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर आठ, बोलता है इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन ए गूगल, बी याहू, सी बायदू, डी वाल्फ फार्म अल्फा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वाल्फ फार्म अल्फा। क्वेश्चन नंबर नौ, बोलता निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ऑप्शन ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर दस, बोलता एक किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? मतलब एक केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन ए 1024 बाइट। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 1024 KB, बी 1024 MB, सी 1024 GB, डी 1024 TB। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1024 KB। क्वेश्चन नंबर 12, 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 GB कितने बाइट के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 1024 KB, ऑप्शन बी 1024 MB, ऑप्शन सी 1024 GB, ऑप्शन डी 1024 TB। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1024 MB। क्वेश्चन नंबर 13, तो कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? ऑप्शन ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 14, बोलता है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है?
ऑप्शन ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। इसका आंसर ऑप्शन होगा ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो, डी पायलट। इसका आंसर होगा सी लोगो। तो एक सुहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वह क्या कहलाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी नोटबुक कंप्यूटर, सी वर्क स्टेशन, डी पीडीए। इसका आंसर हो जाएगा बी नोटबुक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17 द कोडांतरक एक प्रोग्राम है वह निम्नलिखित में से किसे प्रोग्राम का रूपांतरण है। ऑप्शन ए मशीन से निम्न स्तर तक, बी निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी उच्च स्तर से कोडांतरण तक, डी कोडांतरण से मशीन तक। इसका आंसर होगा डी कोडांतरण से मशीन तक। क्वेश्चन नंबर 18 मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। ऑप्शन ए एक प्रोसेसर द्वारा, बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी बिना किसी प्रोसेसर के, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी बिना किसी ने एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है। ऑप्शन ए बबल मेमोरीज, बी फ्लॉपी डिस्क, सी सीडी रोम, डी कोर मेमोरीज। इसका आंसर होगा सी सीडी रोम। क्वेश्चन नंबर 20 तो सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। ऑप्शन ए माइक्रो, बी प्रोसेसर, सी आउटपुट, डी अर्थमेटिक या लॉजिक। इसका आंसर होगा डी अर्थमेटिक और लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 21 सीपीयू के एलयू में होते हैं। ऑप्शन ए रैम स्पेस, बी रजिस्टर, सी बाइट स्पेस, डी इनमें से सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 22 तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डिस्क यूनिट, ऑप्शन बी मॉडेम, सी एलयू, डी कंट्रोल यूनिट। इसका आंसर होगा सी एलयू। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए प्रोसेसर, बी इनपुट डिवाइस, सी प्रोग्राम, डी प्रोटेक्टर। इसका आंसर होगा ए प्रोसेसर। बोलता है प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है ये एलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, बी एलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25 द सीपीयू और आईओ इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी एलयू, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए कंट्रोल यूनिट। उत्तर क्वेश्चन नंबर 24 कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए डेटा डिलीट करता है, बी इनवॉइस बनाता है, सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ऑप्शन ए डाटा को प्रोसेस करना, बी टेक्स्ट को स्कैन करना, सी इनपुट को स्वीकार करना,
डी डाटा को स्टोर करना, इसका आंसर होगा बी टेक्स्ट को स्कैन करना। क्वेश्चन नंबर 28 परिचालन संपन्न करता है एल्गोरिथ, बी अर्थमेटिक, सी ASGI, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थमेटिक। क्वेश्चन नंबर 29 कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, ऑप्शन ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी CPU, डी रैम। इसका आंसर होगा सी CPU। क्वेश्चन नंबर 30 मतलब कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, सी इंप्यूटिंग, डी आउटपुटिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 31 प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, ऑप्शन ए इंटेल, बी विशेष कार्य कार्ड, सी रैम, डी CPU। इसका आंसर होगा डी CPU। क्वेश्चन नंबर 32 मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी माइक्रोचिप, डी सभी कथन सत्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर 33 मतलब कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है, ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी डाटा, ऑप्शन सी आउटपुट, डी इनपुट। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 34 मतलब इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ऑप्शन ए मेमोरी द्वारा, बी CPU द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा, डी पेरिफेरल्स द्वारा। इसका आंसर होगा बी CPU द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 प्रोसेस डेटा को कहते हैं, ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी प्रोसेस, सी इनपुट, डी सभी। इसका आंसर होगा बी प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 36 मतलब CPU का मुख्य घटक है, ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, बी मेमोरी, सी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, डी ये सभी। इसका आंसर होगा बी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 37 कंप्यूटर की क्षमता है, निम्न, बी उच्च, सी सीमित, डी असीमित। आंसर होगा ऑप्शन सी सीमित। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन ए मानव, बी कृत्रिम, सी शुद्ध, डी अन्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कृत्रिम। क्वेश्चन नंबर 39 मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी यूज, सी निम्न, डी औसत। इसका आंसर होगा ए सामान्य। क्वेश्चन नंबर 40 तो मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है, ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों में बराबर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन बी मानव मन। क्वेश्चन नंबर 41 EDP क्या है, ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 42 मतलब कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को, डी ये सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकत्रित डेटा को। क्वेश्चन नंबर 43 कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचनाओं को, डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। क्वेश्चन नंबर 44 तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी CPU,
डी इनपुट आउटपुट यूनिट, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 45, तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, ये एल्गोरिथम, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी कैलकुलेशंस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट। क्वेश्चन नंबर 46, तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, ये गणना कार्य करना, बी डेटा का संग्रह, सी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 47, तो एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देन, ऑप्शन बी बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखाएं, डी इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिना स्टाफ के नकदी देने। क्वेश्चन नंबर 48, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, ऑप्शन ए इनपुट, बी डेटा, सी नंबर, डी सभी कथन सत्य है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डेटा। क्वेश्चन नंबर 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी केस, सी प्रोसेसर, डी इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा सी प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 50, तो प्रथम गणना यंत्र है, ए कैलकुलेटर, बी डिफरेंस इंजन, सी अबैकस, डी घड़ी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अबैकस। दोस्तों आज हमने टॉप 50 क्वेश्चन करवाया कंप्यूटर में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।